हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू क्लीन द ड्रेन पाइप ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें इनसाइड बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। हमने इसको साफ़ तो किया है और लेकिन जब टेक्नीशियन से बात हुई तो उसने बोला कि इसकी ड्रेन पाइप को आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो ड्रेन पाइप नॉर्मली एट द बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर रहती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप प्लग को बाहर निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जो प्लग है इसको आप अलग कर लीजिए। और ड्रेन पाइप को क्लीन करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये मेरे दो स्क्रू रहते हैं, कहीं पर स्क्रू रहेगा, कहीं पर एक प्लास्टिक का पेस्ट टाइप का रहेगा, उसको आप ऊपर खींच के भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्रू सिस्टम है तो सबसे पहले मैं ये स्क्रू से इसको खोल लेता हूँ। स्क्रू से खोलने के बाद दोनों स्क्रू मैंने खोल लिए, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और ये सेकंड वाला स्क्रू क्योंकि हमने अभी साफ़ किया था तो जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा रखा था मैंने, तो दोनों पेचों को आप बाहर निकाल लीजिएगा। और उसके बाद ये जो पूरा ट्रे था मेरा, देखिए ये पूरा ट्रे पानी से भरा हुआ था, मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है। और ये जो है कॉइल है जो कनेक्टेड है इनसाइड द फ्रिज, तो आप इसको बाहर निकाल के दोनों पेच खोल कर इस पानी को क्लीन कर लीजिए तो आपकी जो फ्रिज के अंदर वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यदि भी आपका जो ड्रेन ट्रे है ये साफ़ रहेगा, इसमें पानी नहीं रहेगा तो अंदर भी पानी नहीं रहेगा। तो ये आप खुद भी अपने घर आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन आएगा तो आपसे 400-500 रुपये ले लेता है, तो उसको भी आप बचा सकते हैं। और ये वर्क जो है आप खुद ही घर पर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।